आज हम बात करेंगे अलप्पी और अलपुजा के बारे में। दोनों एक ही चीज़ है और दोनों एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जो कि केरला में है। आज हम अलपुजा यानी अलप्पी के बारे में बताएंगे, कहां कहां पर आपको घूमना चाहिए, कब जाना चाहिए, कहां पर रुकना चाहिए, किस टाइम पर कितने दिनों में आप ये टूर कर सकते हैं, देखने वाली क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आप यहां पर खा सकते हैं, पहन सकते हैं, घूम सकते हैं और टोटल कितना कॉस्ट आपका आने वाला है। अलप्पी खास तौर से तीन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको हाउस बोट टूर मिल जाएगा, साथ ही आपको यहाँ पर बैक वाटर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको बीचेस भी देखने को मिल जाएंगे। केरला में ये बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है जो कि समुद्र के किनारे एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी इसका जो किनारा है वो समुद्र से पूरी तरह से लगा हुआ है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जाने का साधन क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप तीनों साधनों से जा सकते हैं, आप बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं और बाय रोड भी जा सकते हैं। सब जगह से आपको यहाँ पर फ्लाइट अवेलेबल है। फ्लाइट 3 घंटे मैक्सिमम लेती है। अगर हम मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली से यहां पर 3 घंटे में फ्लाइट आ जाती है और मिनिमम जो वन साइडेड किराया है पर पर्सन वो करीब 3500 रुपये से स्टार्ट होता है। हालांकि जो अलप्पी है उसके उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन उससे करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर कोची एयरपोर्ट है। लोग वहां पर आते हैं और वहां से 1.5 से 2 घंटा लग जाता है अलप्पी सिटी में आने में, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने में। आपको गवर्नमेंट बसें भी मिल जाएंगी जो कि 112 रुपये 120 रुपये के किराए लेती हैं मैक्सिमम। ट्रेन भी मिल जाएगी जो कि आपको 100 रुपीज़ किराए में यहां पर पहुंचा देगी। इसके अलावा अगर आप अपना टैक्सी करके आते हैं तो कम से कम आपको 1500 रुपये 1200 रुपये खर्च करना पड़ जाएगा अगर आप टैक्सी करके आते हैं, लेकिन टैक्सी जो होती है वो आपका टाइम बचा देती है। अगर बात करें ट्रेन मार्ग से तो ट्रेन पूरे इंडिया में हर जगह ट्रेन से कनेक्टेड है केरला, और आप यहाँ पर ट्रेन से आ सकते हैं। डेली ट्रेन चलती है और कम से कम 2 दिन का समय लगता है, देखें तो 40 से 45 घंटे लग जाते हैं। अगर दिल्ली से मान के चलें, दिल्ली से केरला तक पहुंचने में यानी अलप्पी तक पहुंचने में आपको 40 से 45 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पर जो स्लीपर सीट का किराया है पर पर्सन वो करीब 2000 रुपये के करीब में आता है, 2200 रुपये। यहाँ पर आने का जो समय है वो सबसे अच्छा समय माना जाता है, नवंबर से लेके फरवरी तक। इस बीच में जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर लोग रोड से आना चाहते हैं तो आप रोड से भी आ सकते हैं, लेकिन रोड का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप बीच बीच में कई सिटी घूमते हुए आ रहे हैं तो आप अपने वाहन से बाय रोड आ सकते हैं। अब हम अलप्पी पहुंच चुके हैं। इसको लोग अधिकतर जो फेमस नाम है वो अलप्पी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का एक्चुअल जो नाम है वो अलपुजा है, लेकिन अलप्पी इसको काफ़ी लोग कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर टॉप 10 ऐसी जगह हैं जो कि यहाँ पर देखने लायक है और जिसको टूरिस्ट देखने आता है। बहुत ही अच्छी जगह हैं और उनके बारे में मैं पूरा विस्तार से आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो रुकने का कॉस्ट है, नॉर्मल आपको जो होटल है सिंगल बेड आपको आसानी से 800-900 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे जैसे आप स्टार बढ़ाते जाएंगे और अच्छा होटल चुनते जाएंगे, यहाँ पर किराया 1500 से लेके 3500 रुपए भी जा सकता है। अगर खाने की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो खाना है आपको 150 रुपए से लेके स्टार्टिंग 150 रुपए से लेके 200 रुपए में अच्छा खाना आप भरपेट खा सकते हैं। यहाँ की 10 फेमस जगह बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। ये जो अलप्पी फेमस है वो है बोट रेसिंग के लिए। आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने वॉलपेपर में देखा होगा कि बोट रेसिंग जो होती है और जो वाटर में आपको नाव चलाते हुए दिख जाएंगे, बगल में आपको नारियल के काफ़ी सारे पेड़ दिख जाएंगे, वो इसी सिटी में है यानी अलप्पी अलपुजा सिटी में। दोनों एक ही नाम है। तो यहाँ पर जो बोट है वो 2 तरह की है। एक शिकारा बोट है यानी जिसमें 2 से 3 लोग दिन में घूमते हैं, मतलब वाटर में वो घूमते हैं, नाव लोग खेते रहते हैं, चलाते रहते हैं और उसमें बैठ के आनंद लेते हैं दिन में। यहाँ पर एक और नाव होती है जिसको कहते हैं हाउस बोट, जो कि बड़ी नाव होती है और एक तरह से वो होटल ही होता है, यानी 1 कमरे वाला होता है, 2 कमरे वाला होता है, 3 कमरे वाला होता है, होटल होता है। अगर आप होटल की जगह यहाँ हाउस बोट में रुकते हैं तो स्टार्टिंग जो किराया है
6,000 रुपये दो पर्सन के लिए हैं। यानी आपको सबसे जो सस्ता हाउस बोट मिलेगा एक रात के लिए रुकने के लिए, जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी जो कि होटल के रूम में होती हैं। दो लोगों के लिए 6,000 रुपये से स्टार्टिंग है, लेकिन आपको 7,000-8,000-9,000-10,000 में और अच्छी बोट मिल जाएंगी। अब काफी लोग कहेंगे कि होटल से तो बहुत ज्यादा किराया है, तो मैं आपको बता दूं ये हाउस बोट है जो कि पानी के बीच में रहती है और इसका जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसका चार्जेस भी ज़्यादा होता है। होटल में तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी रुक लेंगे, लेकिन हाउस बोट में केवल आप केरला में ही रुक सकते हैं। अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं तो आपको खाना भी मिलेगा, कम से कम यहाँ पर स्टार्टिंग जो खाना है 750 रुपये पर पर्सन का कॉस्ट पड़ जाएगा अगर आप हाउस बोट में खाना खाते हैं तो। अब बहुत सारे लोग सिंगल घूमने जाते हैं, डबल घूमने जाते हैं, जो कि चाहते हैं कि 2-3 घंटे वो बोट में घूमें, यानी पानी के बीच में घूमें, फोटोग्राफी करें, वीडियोग्राफी करें और नारियल के जो पेड़ हैं वो देखें, तो उसके लिए वो सिकारा का चूज कर सकते हैं। उसके लिए सिकारा चलती हैं, छोटी छोटी जो नाव होती हैं वो 1 घंटे के लिए भी मिलती है, 2 घंटे के लिए भी मिलती है। एक नाव में 4 लोगों की बैठने की जगह होती है, 6 लोगों की होती है, 20 लोगों की होती है, अलग अलग कैपेसिटी की अलग अलग नाव होती हैं। पर घंटे का मैं जो चार्ज बता दूं, 600 रुपये पर घंटे का पर पर्सन चार्ज होता है उस नाव में बैठने का। अगर आप 2-3 घंटे बैठते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी आपको 1200-1500 रुपये में 3-4 घंटे वो घुमा देंगे उस नाव में बैठा के। नाव में जो बैठने की व्यवस्था होती है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव अच्छी होती है और आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आसानी से कर सकते हैं। अब आपने सुना होगा कि अलप्पी जो है बैक वाटर पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बैक वाटर क्या होता है, जैसे समुद्र में जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो वो छोटे छोटे गड्ढों में और समतल में वो भर जाता है, और समुद्र का जब पानी वापस लौटता है तो वो पानी भरा का भरा ही रह जाता है, जो कि छोटी छोटी नदियाँ, छोटे छोटे तालाब, बड़े बड़े तालाब से बन जाते हैं। इसको बैक वाटर कहते हैं, जिसमें नाव चलती हैं और परमानेंट वो पानी बना रहता है। अब मैं आपको यहाँ पर जो टॉप जगह है वो बताने जा रहा हूँ, जो कि मैन सिटी से 1 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर के अंदर में ही है, बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अलप्पी में लोग आते हैं अलप्पी अल्पुजा बीच देखने के लिए, जो कि एक रेतीला बीच है और बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ पर फैमिली आसानी से जा सकती है। बिजी रहता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी रहता है। इसके अलावा एक दूसरा बीच है मरारी बीच, जो कि इससे थोड़ा सा छोटा बीच है और वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी सी कम रहती हैं, लेकिन वो मेन सिटी से 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर भी थोड़ा क्राउड रहता है, लेकिन यहाँ पर आप फैमिली के साथ आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग भी होती रहती है, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा आइसलैंड भी है, जिसका नाम है पथी रामनल आइसलैंड, जो कि एक स्मॉल आइसलैंड है और इस आइसलैंड पे पूरी तरह से जंगल है, जिसमें कुछ जानवर भी रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो खतरनाक जानवर हैं वो यहाँ पर नहीं होते, एक तरह से वर्ल्ड सेंचुरी मान सकते हैं। इस आइसलैंड पर जाने के लिए आपको बोट का सहारा लेना पड़ता है। आप बोट से यहाँ पर जाते हैं, 3-4 घंटे 5 घंटे घूमते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो देखने की चीज़ है वो है श्री कृष्णा स्वामी टेम्पल, जो कि भगवान कृष्ण का मंदिर है, बहुत ही पुराना बना हुआ है और ये मैन डिस्ट्रिक्ट के पास में ही है, यानी मैन डिस्ट्रिक्ट जहां आप रुके हुए हैं वहीं पर आपको पास में मिल जाएगा। लेकिन जो इसकी टाइमिंग है वो 3 बजे सुबह से लेके दोपहर को 12:30 बजे तक रहती है, 12:30 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है और अगर आपको यहाँ पर प्रसाद लेना है तो 12 बजे प्रसाद का वितरण होता है दोपहर में। और ये प्रसाद क्या मिलता है यहाँ पर, वो मिल्क वाली खीर मिलती है जो कि 12 बजे मिलती है और 12:30 बजे ये मंदिर क्लोज हो जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर सबसे फेमस है वो है अलप्पी लाइट हाउस, तो यहाँ पर इस लाइट हाउस के अंदर आप घूम सकते हैं, जो कि 1862 में बना था। यहाँ पर जो इंडियंस के लिए चार्ज है वो 30 रुपये है, फॉरेनर के लिए 70-75 रुपये यहाँ पर चार्जेस हैं। और सबसे खास बात ये है टाइमिंग की, ये 3 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, 3 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। इस लाइट हाउस के अंदर आप जाके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के और दूर का नज़ारा आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर एक चर्च है जो कि देखने लायक है,
ये भी मैन टाउन के पास है। इस चर्च की ये खासियत है, चर्च बहुत ही पुराना बना हुआ है और इसके बगल से बैक वाटर जा रहा है, यानी आपको नदी का एहसास होगा, बैक वाटर इसके बगल में ही है, तो आप वहाँ पर घूम सकते हैं, देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बीच में ही है ये। इसके अलावा यहाँ पर रेवी मेमोरियल म्यूजियम भी है एक, जिसकी फीस इंडियंस के लिए 150 रुपये है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कार भी आपको दिख जाएगी पुराने ज़माने की। इसके अलावा एंटिक चीज़ें बहुत सारी हैं, मूर्तियाँ हैं, और 150 रुपये में आप इसको घूम सकते हैं, शहर के ये बीचों बीच में है। लेकिन इसका जो टाइमिंग है 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ये खुला रहता है, और ये कोई सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट संस्था का है, और यहाँ पर देखने लायक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अगर आप सोच रहे हैं 150 बहुत ज़्यादा है, लेकिन 150 रुपये में आप यहाँ पर जो चीज़ें देखेंगे वो आप कहीं और नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कृष्णापुरम पैलेस है, यानी एक म्यूजियम भी है और एक जगह भी है, बहुत पुरानी जगह है जो कि घूमने लायक है। 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये खुला रहता है, और ये 1800 शताब्दी में बना हुआ था। यहाँ पर आप अंदर जाके फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज करीब 30 रुपये अलग से लगता है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का चार्ज। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मंदिर है, मुलक्कल राजा राजेश्वरी मंदिर, जो कि माता दुर्गा जी का मंदिर है, बहुत फेमस है, बहुत पुराना है, हिंदू टेम्पल है, और मैन अलप्पी सिटी में ही है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं। इसके अलावा यहाँ पर छोटा सा मार्केट भी है, वहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं, जैसे कि स्पाइसेस हो गए, मसाले हो गए, बनाना चिप्स हो गए, यहाँ के पारंपरिक जो कपड़े हो गए, बहुत सारी और भी चीज़ें। अब बात करें यहाँ पर टोटल कॉस्ट की, तो दोस्तों आप किसी भी लोकेशन से आते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी, फ्लाइट से कितना खर्चा लगेगा, ट्रेन से कितना लगेगा, बाय रोड कितना लगेगा दिल्ली से, आप अलग अलग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस सिटी में पहुंचने के लिए। अब मैं आपको बता दूं, इस सिटी में अगर आप पहुंच जाते हैं तो इस सिटी में रहने का खर्चा मैं आपको बता देता हूं, रहने खाने घूमने फिरने, और जो हाउस बोट है उसमें भी आप घूम सकते हैं, उसमें भी पेड करके घूम सकते हैं, तो वो टोटल खर्चा मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको दिल्ली से इस सिटी में आने का कोई भी खर्चा नहीं बताऊँगा, इसमें आप उसको अलग से जोड़ लेना। तो अगर आप सिटी के अंदर आ गए हैं और 2 दिन रुकते हैं, कम से कम ये चीज़ें आप 2 से 3 दिन में देख सकते हैं, और उससे कम रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मिनिमम अगर 2 दिन रुकते हैं तो भी आपको 4000 रुपये पर पर्सन खर्चा करना पड़ेगा। इसके अलावा आप कितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस से आए हैं, उसका किराया आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा। मिनिमम 4000 है, और मैक्सिमम 1-2 चीज़ें अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं, थोड़ा सा होटल कॉस्ट ले लेते हैं, खाना अच्छा लेते हैं, इसके अलावा ख़रीदारी थोड़ी सी अच्छी करते हैं, तो आपका खर्चा यहाँ पर 5500 रुपये पर पर्सन आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।